हाय गाइस, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको आलू पराठा बनाने की रेसिपी बता रहे हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी आलू पराठा बनाने की रेसिपी बताएंगे हम आपको। हमारे वीडियो का अंत तक देखना, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट आलू का पराठा, जो आपने कभी खाया नहीं होगा, आप खाते रह जाओगे, जिसको खिलाओगे वो उंगलियाँ चाटते रह जाएगा। बहुत ही स्वादिष्ट आलू का पराठा, तो चलो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आलू लिए है, आलू को कुकर में बॉईल लगा लेंगे। ये देखिए कुकर में बॉईल लगा लेंगे आलू को। एक इंच ऊपर पानी रखेंगे आलू से, ज़्यादा पानी नहीं रखेंगे, एक इंच ऊपर पानी रखना है आपको। लगा के आलू को उबाल लिए है, ये देखिए आलू हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से उबल के तैयार हो चुके हैं। इसके बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनाएंगे हम आलू के। ये देखिए सारे आलू, इसको दबा के देख सकते हो आप अच्छी तरीके से हमारे आलू। सबसे पहले दो आलू लिए हैं जो हमने उबाल के रखे थे, उनको दो आलू को अच्छे से छील लिया है। हम एक दो पराठे बना रहे हैं, आप ज़्यादा भी बना सकते हो। इसमें थोड़ा जीरा वन ऐड करेंगे। जीरा वन ऐड कर दिया, चाट मसाला ऐड, थोड़ा सा गरम मसाला आपके पास हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड किया, स्वाद अनुसार नमक, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी आलू को अच्छे से मैश करके मिक्स कर लिया हमने। ये देखिए इसमें थोड़े आप चाहो तो प्याज भी मिला सकते हो, आपके पास अवेलेबल हो तो। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, थोड़ा धनिया डाल दिया इसमें, धनिया ऐड कर देंगे थोड़ा। ये देखिए आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया आलू पराठे की रेसिपी बताएंगे आप, बहुत ही स्वादिष्ट आलू पराठे बनाने की रेसिपी बता रहे हैं हम। हमारे वीडियो का अंत तक देखना, तो सीक्रेट बताएंगे आलू पराठे का टेस्ट कैसे आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। आप घर पे बना सकते हो बड़ी आसानी इस तरीके से। थोड़ा प्याज ऐड कर देंगे, इससे हमारे पराठे में जान आ जाएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट बढ़ जाएगा। दो हरी मिर्ची ऐड करी, इससे टेस्ट में थोड़ा सा धनिया पाउडर जान ला देगा आपके पराठे में, डबल टेस्ट बढ़ जाएगा आपका। तीनों चीज़ें और हमने ऐड करी है इसमें, इसका विशेष ध्यान रखिए आप। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, सभी मसाले को एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम आलू पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया, बहुत ही अच्छा टेस्टी पराठा बनेगा आज हमारा। ये देखिए हमारा मसाला पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है हमारा पराठा। ये आटे का एक लोया लिया है हमने, एक पराठा बनाएंगे इसका हम। ये देखिए अच्छे से बेल लेंगे इसको, ये देखिए इसको अच्छे से बेल रहे हैं, अच्छे से बेल लिया हमने, पूरा नहीं बेलना, आधा ही बेलना है उसको, ये तो पराठा आपका फट जाएगा, अधिकतर लोगों के पराठे फटते हैं। मसाला ऐड करेंगे इसमें, इसको चारों तरफ से पैक कर लेंगे। आप भी इसी तरीके से दोस्तों पैक करना पराठे को, खुलेगा नहीं आपका पराठा। फिर इसको बेलेंगे धीरे धीरे, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है अपने को, नहीं तो पराठा फट जाएगा। आराम से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इसको बेलना है। 10 लाउडर ले, पर बेल तो है पराठे, बेल ले बाकी।
से देखिए हल्के हल्के से सिकना लगा है हमारा पराठा। देखिए हमारा पराठा एक साइड से अच्छे से सिक गया है। इसमें बटर बटर लगा लेंगे, आप चाहो तो ऑयल भी लगा सकते हो, बटर से थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। देखिए एक साइड हमने बटर लगा लिया, दूसरी साइड भी बटर लगा लेंगे। दोनों साइड अच्छे से बटर लगा के इसको सेक लेंगे, हल्के से इसको दबा लेंगे जिससे किनौर अच्छे से सिक जाएगी इसकी। ये देखिए दोस्तों हमारे पराठे ने बहुत ही अच्छा कलर छोड़ दिया है, ब्राउन ब्राउन हो चुका है पूरा पराठा, बहुत ही दिखने में सुंदर दिख रहा है। ये देखिए बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी। ये देखिए दोस्तों हमारा आलू का पराठा बहुत ही अच्छी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। आप भी दोस्तों इसी रेसिपी से आलू का पराठा बनाने के लिए हमारी रेसिपी ट्राई करना, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट है, जैसा दिख रहा है वैसा इसका टेस्ट है। ये देखिए बिल्कुल आलू का पराठा हमारा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और रोज़ रोज़ नए नए वीडियो देखिए। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट पराठा। धन्यवाद।